देख रहे सभी लोगों का स्वागत है। इस समय हम तपोवन धर्मशाला में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह। सर आपका स्वागत है चैनल 9 में। थैंक यू वेरी मच। सर ये बताइए, जो ये विधानसभा का सत्र चल रहा है इसमें भाजपा जो है लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, रोज़ जो है नई नई चीज़ें लेके वो विधानसभा पहुँच रहे हैं, आपका क्या इस पर टेक है? देखिए उनको भी खबरों में रहना है और खबरों में रहने के लिए इस तरीके के हथकंडे अक्सर अपनाए जाते हैं, विपक्ष में अपनाए जाते हैं, तो उसी संदर्भ से मुझे लगता है कि ये कार्य हमारे विपक्ष के साथ ही कर रहे हैं और जिन मुद्दों के ऊपर कर रहे हैं उस पर मुख्यमंत्री जी ने बड़े क्लियरली कहा है कि हम हर अपनी गारंटी को पूरा कर रहे हैं, समय रहते हुए हर चीज़ पर कार्य किया जा रहा है। दो बड़ी गारंटियों को हमने पूरा कर दिया है जिसमें OPS का जिक्र दिया गया है, 680 करोड़ का रोज़गार स्वरोज़गार का पैकेज प्रदेश के युवाओं को दिया गया है और ऐसे और भी जो कार्य है उनको भी चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। मगर हमें ये भी समझना है कि प्रदेश की आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है, उसके बावजूद नौकरियों का पिटारा खोला गया है। पिछले कल ही करीबन 1500 नौकरियाँ आपके नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में निकाली गई है, तो ये मैं समझता हूँ बड़ी उपलब्धियाँ हैं और नौकरियाँ देना हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है जिसे हम पूरा करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मगर साथ ही साथ हमें जो वित्तीय संकट से हम गुजर रहे हैं, 80,000 करोड़ रुपए का लोन ये सरकार छोड़ के गई है, उस चीज़ का भी तो देखना है, तो मिलकर इन चीज़ों पर करने की आवश्यकता है। तो ये चीज़ें तो चली रहती है, ये जो वो है कारनामे हैं ये चले रहते हैं, इससे कोई हमको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। इस बार जो है आपदा प्रदेश में काफ़ी आई, 3 महीने लगातार जो है बारिशें चलती रही, नुकसान हुआ है। विपक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार ने भरपूर मदद जो है प्रदेश सरकार को की है, लेकिन प्रदेश सरकार जो है मान नहीं रही है कि सेंटर से जो है यहाँ प्रदेश को पैसा आया है, इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं देखिए, जो पैसा आया है वो तो हमने कहा ही है कि आया है, 633 करोड़ रुपए का अभी तक आया नहीं है हालांकि, मगर उसमें कुछ सहयोग आना है, कुछ आएगा तो वो ठीक है, मगर इन टोटैलिटी ऑफ द डिस्ट्रक्शन इन द स्टेट जो नुकसान हुआ है, 12,000 करोड़ रुपए का जो है आंकलन किया गया है, उसके तुलना में आप केवल 633 करोड़ दे रहे हैं, तो ये तो मैं समझता हूँ बहुत अन्याय है, ऊंट के मुंह में जीरा है। तो निश्चित तौर से फिर भी हम सकारात्मक तरीके से प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कल भी कहा कि जहाँ पर भी लगेगा कि आप दिल्ली जाकर उनसे बात करें, प्रधानमंत्री जी से वो भी करेंगे, जयराम जी को साथ लेकर जाएंगे, तो इन सब चीज़ों पे हम कार्य करेंगे। मगर मुझे जैसा मैंने कहा कि हमें इसमें संयम बनाने की आवश्यकता है। आपके पास जो विभाग है काफ़ी बड़ा विभाग है और प्रदेश में इस समय क्या सड़कों की क्या स्थिति है जो आपदा में नुकसान हुआ था, इसके अलावा जो नए कोई रूट्स प्लानिंग में आगे क्या चल रहा है? देखिए इसमें भी लगातार हम सड़कों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ा हमारा जो भी पैकेज है PMJSY का, उसमें करीबन 2700 किलोमीटर सड़कों का उत्थान होना है, अपग्रेडेशन होना है, मेटलिंग टायरिंग का काम होना है, तो बड़े स्तर पर इस पर काम होना है। इसके अलावा और भी चीज़ें जो प्रदेश के अंदर, चाहे हमारी CRF के माध्यम से चला हुआ है, स्टेट हेड पे चला हुआ है, ग्रामीण सड़कों को जोड़ने का कार्य चला हुआ है, हर चीज़ पर हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और हर चीज़ पर अपना कार्य को पूरा करेंगे। मुझे बात करने के धन्यवाद। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह। इनका मानना है कि प्रदेश सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र का विकास करने के लिए लगातार प्रयासरत है और आगे भी करती रहेगी। धर्मशाला तपोवन से चैनल 9 के लिए ध्वनिचंद के साथ राहुल शर्मा की रिपोर्ट।